खबर चंपावत से है, जहां चंपावत जिले की आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता सहायिका संगठन अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आक्रोशित हो गई हैं। इन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे अगर नहीं पूरी हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगी। शुक्रवार को संगठन जिलाध्यक्ष मीना बोहरा के नेतृत्व में चंपावत जिला मुख्यालय मोटर स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार की ओर से लंबे समय से उनकी मांगों को पूरा करने का खाली आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है और अपने काम के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से निर्वाचन स्वास्थ्य विभाग का भी कार्य करवाया जा रहा है और इतना काम कराने के बाद भी उचित मानदेय उनको नहीं दिया जा रहा है, जिससे अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर होता जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं ने 600 प्रतिदिन मानदेय दिए जाने, सेवानिवृत्त होने पर 2 लाख रुपए दिए जाने, टेक होम राशन ढुलान को केंद्र तक पहुंचाने की धनराशि दिए जाने, पोषण टेकर के लिए मोबाइल फोन और रिचार्ज किए जाने, विभागीय कार्यों के लिए यात्रा भत्ता दिए जाने सहित कई मांगे उठाई हैं और उनका कहना है कि इनकी मांगे अगर जल्द पूरी नहीं होती हैं तो वो आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हड़ताल से पूरे दिन जिले के सभी आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी तमाम केंद्र बंद रहे। इससे छोटे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अन्य काम भी प्रभावित हुए। एक तरफ जिला प्रशासन इन दिनों निर्वाचन की तैयारियों में जुटा हुआ है और दूसरी ओर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल से ये काम भी प्रभावित होने लगा है। कार्यकर्ता मिनी सहायिका के संगठन से आज चंपावत जिले में हम बहुत समय से आंगनबाड़ी अपनी मांगों को लेकर सरकार के आगे आई है, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को अभी तक नहीं सुना है। और जहां तक सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, ये विभाग महिला सशक्तिकरण है, लेकिन हमारी सरकार हमारी हम महिलाओं के ऊपर ही शोषण कर रही है। हम कह रहे हैं कि हमारा जो 600 रुपये जो उचित मानदेय है, 18,000 रुपये हमें मानदेय दिया जाए और सेवानिवृत्त होने के बाद हमें 2 लाख रुपये हमारे बहनों को दिया जाए, क्योंकि जो जीवन हम लोग इसमें काट रहे हैं उसके बाद जब हम रिटायरमेंट हो जा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और सरकार से जो भी हमारी मांगे हैं, अगर सरकार हमारी ये मांगों को पूरी नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन में तैयार रहेंगे। यूपी न्यूज 9 के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।